हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर का। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, और अगर सिर्फ समझना है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इवोल्यूशन चैप्टर की जो थ्योरीज़ हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, वो अच्छे से समझा सकूँ। सो अगर इवोल्यूशन में सबसे पहले देखें तो जो हमारी धरती है यानी कि अर्थ, वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड बनी है। ठीक है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड बनी है, ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी 20 बिलियन ईयर ओल्ड बनी है। उसके बाद लाइफ कब आई, वो ये माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के 1 बिलियन ईयर बाद, ठीक है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ पे। उसके बाद क्या हुआ, जब मतलब अभी पृथ्वी बनी नहीं थी, उससे पहले वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, लाइटनिंग हुई, उससे क्या हुआ, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। वॉल्केनोज वगैरह से गैसेस निकली, जैसे सबसे पहले कौन कौन सी गैस निकली, CH4, मीथेन, अमोनिया NH3, H2 एंड CO2, ये चार गैसेस प्रेजेंट थी, मतलब प्रेजेंट नहीं थी वो, मतलब शुरू शुरू में ये निकली वॉल्केनोज वगैरह, लाइटनिंग वगैरह से। इसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड आफ्टर दैट माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कि फैटी एसिड, ग्लूकोज, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, इन सब का माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे हैं, ये सब एग्जांपल है, वो बने। उसके बाद आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स। सो सबसे पहले डीएनए नहीं बना था, पहले आरएनए आया था। इसके बाद प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन हुआ, यानी सेल लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम एकदम सेल तो नहीं कह सकते लेकिन सेल लाइक स्ट्रक्चर ही थे वो, उनका फॉर्मेशन हुआ। सो लाइफ के लिए मतलब थ्योरीज आई कि आखिर लाइफ कैसे बनी, धरती पे लाइफ आई कहाँ से। सो इस पे जो है एक थ्योरी आई जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब किसी स्पेशल के थ्रू अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हो जाना। सो ये थ्योरी कहती है ऑल स्पीसीज वेयर क्रिएटेड एज सच एंड देयर इज़ इवोल्यूशन। मीन्स यहाँ पे जो यहाँ पे स्पीसीज़ हैं वो अपने आप ही मतलब स्पीसीज़ बन गई और उसके बाद इवोल्यूशन होने लगा। एंड अर्थ इज़ अराउंड 4000 ईयर ओल्ड, और इसका दूसरा पॉइंट जो है, इसका क्या कहना है कि अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है, और ये जो इसके स्ट्रॉन्गर सपोर्टर थे स्पेशल क्रिएशन के, वो थे फादर स्क्वेरेज। एंड इस थ्योरी का ये कहना था कि मतलब इसे कोई गॉड जो है, गॉड आए हैं और उन्होंने स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दिया, पहाड़, नदियाँ, हर चीज़, पेड़ पौधे, इन सब का गॉड ने क्रिएट करके इन सब को, और वो चले गए। सेकंड जो हमारी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब होता है एब्सेंट, बायो मीन्स लिविंग एंड जेनेसिस मीन्स जो प्रोसेस चल रही है वो, फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो ए बायोजेनेसिस मतलब कि विदाउट लाइफ, लाइफ का फॉर्मेशन। सो इस थ्योरी को हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ विदाउट लाइफ, और ये थ्योरी थी, ये दी गई थी वैन हेलमंट 1600 में। इस थ्योरी का ये कहना था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से अपने आप ही लिविंग, जो लिविंग लाइफ की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर से, यानी कि काऊ के डंग से जो फ्लाई है उसका वो फॉर्म हो गया, मतलब उसका बर्थ हो गया एक काऊ के डंग से, मतलब इसमें बिना किसी तर्क के ही ये थ्योरी दे दी गई, और इसे दिया था वैन हेलमंट ने। ही थॉट ही कुड प्रोड्यूस माइस फ्रॉम व्हीट एंड ए सॉइल्ड शर्ट,
मतलब वो सोचते थे, उनका मानना था कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या चूहों को, ठीक है, किससे, गेहूं के दाने से, और कुछ कुछ गेहूं के दाने लेंगे और पसीने से भींगी हुई शर्ट से और गेहूं के दाने से वो माइस को उत्पन्न कर सकते हैं। सो थ्योरी का यही कहना था कि नॉन लिविंग थिंग से हम लिविंग थिंग को बना सकते हैं। सो सबसे पहले देखिए, इस थ्योरी में वॉन हेलमॉन्ट ने किया क्या, उन्होंने एक जार लिया, यानी एक शीशे की जार ली, एंड पुट ए स्वीटी शर्ट विथ सम व्हीट ग्रेन्स, और पसीने से जो पसीने से भरी हुई जो शर्ट थी उसमें उन्होंने जार में डाल दिया, एंड सम व्हीट ग्रेन्स, और कुछ व्हीट ग्रेन्स भी उसमें डाल दिए, एंड केप्ट द जार फॉर 21 डेज, और 21 दिन के लिए उस जार को वैसे ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया विदाउट एनी कवर। दिस इज मेन पॉइंट कि उन्होंने कवर नहीं लगाया उस जार पे, एंड आफ्टर 21 डेज देयर वेयर माइस इन जार, और जब 21 दिन के बाद उन्होंने देखा तो उस पर माइस थे। सो उन्होंने कहा कि हम पसीने से भरी हुई शर्ट से और व्हीट से हम माइस बना सकते हैं, माइस उत्पन्न हो सकता है। लेकिन देखिए, उन्होंने जो ढक्कन था वो जार का ढक्कन लगाया ही नहीं। सो इनकी भी थ्योरी को ये तो मतलब एकदम फेक हो गई, सो इसे भी हटा दिया गया। अब आई थ्योरी ऑफ देखिए सॉरी अभी इसमें स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट पॉस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया वही थ्योरी को हटाने के लिए। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्वान नेक वाली जार ली, जिसको उन्होंने जिसमें उन्होंने ईस्ट लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स करके उन्होंने उसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। जब उन्होंने बॉयल करने के लिए छोड़ा तो फिर यहाँ पे जो वेपर था वो वेपर यहाँ पे आके मतलब इकट्ठा हो गया, जम गया। इससे क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो अंदर नहीं जा सके, ठीक है। सो यहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, देखिए दिखा है ना, नो ग्रोथ, मतलब यहाँ पे बॉयल करके और उन्होंने कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ा और इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई लाइफ ग्रो नहीं हो रही, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आएंगे। उन्हें आना होता तो वो एयर के थ्रू इसमें एंटर करते, लेकिन यहाँ पे जब वेपर्स इकट्ठा होकर कंडेंस हो गए थे सो अंदर कुछ कैसे जा पाएगी। सो यहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड टाइम में उन्होंने क्या किया, उस जार को लिया एंड ईस्ट और वाटर भी लिया उसमें, उसके बाद बॉयल किया, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद कुछ देर बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और एंड देन ब्रेक द स्वान नेक, मतलब जो नेक स्वान नेक टाइप की जो उनकी ये ऊपर वाला जो था एरिया उसको तोड़ दिया उन्होंने, एंड फिर उन्होंने वेट किया। सो आसानी सी बात है, जब ढक्कन खुला होगा जार एकदम ओपन होगा, सो ईस्ट और वाटर जो है बहुत ही न्यूट्रिशनल है, सो इस पर जाहिर सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जाके उसमें पैदा होंगे ही या फिर एयर के थ्रू जाएंगे ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। सो जब इन्होंने तोड़ दिया सो यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए, ये वाली थ्योरी स्वान नेक ने दी। अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो जो पॉस्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था स्वान नेक वाला, उन्होंने ही पहले बताया कि विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब बिना ऑक्सीजन के लाइफ नहीं चल सकती या फिर लाइफ हो ही नहीं सकती। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया, मतलब लाइफ का फॉर्मेशन किसी लाइफ से ही होगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होगा। सो इसके जो इन बायोजेनेसिस के जो सपोर्टर थे वो कौन था, बाय रेड्डी, यहाँ पे रेड्डी होगा, रेड्डी ने किया, स्प्लेंजानी ने किया एंड पॉस्चर ने किया एक्सपेरिमेंट, जो कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्टर थे। इसका कहना है लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि कोई भी लाइफ जो अराइज हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज हो रही है। बट एक थ्योरी का मतलब एजम्पशन रह गया जो डज नॉट एक्सप्लेन वेयर फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम, लेकिन जो ये बायोजेनेसिस वाली थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो आई कहाँ से।
सो ये भी फेल हो गई। अब आई कॉस्मिक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। सो कॉस्मोजोइक थ्योरी ने हमें ये बताया, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्ट्स। और इसमें एक पैन स्पर्मिया करके है जिसमें कहा गया, लाइफ एग्जिस्ट एट ए नंबर ऑफ प्लैनेट्स प्लेसेस थ्रू आउट यूनिवर्स। सो इसमें ये कहा गया, ये हमारी पृथ्वी है और ये कुछ रॉक्स हैं जो जलते हुए आए और पृथ्वी से जब टकरा जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। ओके, और जब ये टकराए उसके बाद क्या हुआ, ये अपने साथ जीवन लेकर आए, यानी कि इनमें कुछ ऐसा था जो यहाँ पे आके लाइफ का फॉर्मेशन कर दिया। सो इस थ्योरी का ये मानना था कि जो लाइफ है वो अर्थ पे ना होके कहीं दूसरे प्लेनेट से आई। सो दीज आर सम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपको चैप्टर समझ में ये आ गया है सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।